अब देखो यार, अगर तुम लोगों ने अभी तक AEW के आज हुए डायनामाइट का मेन इवेंट नहीं देखा है तो गाइज मैं तुम लोग को बता दूं, AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा हमें AEW पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा आज हमें व्हीलर यूता को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और अगर बात करें यहां पर व्हीलर यूता और ओमेगा के इस मैच की, तो गाइज आज यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर केनी ओमेगा की तरफ से हमें जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली, जहां पर आज इन दोनों के इस मैच के तरफ से हमें केनी ओमेगा के तरफ से टर्मिनेटर व्हील ट्रिगर और स्पाइक ड्राइव जैसे मूव देखने को मिले। और गाइज यहां पर इस मैच के अंदर करीबन 15 मिनट के सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर केनी ओमेगा वन विंग एंजल के साथ इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी सडनली डॉन केलिस रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर देते गए, जिसके बाद की कोनोशुके टेकेशिता रिंग में आके केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर देते गए। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा उनका फिनिशर वन विंग एंजल हिट करते गए और गाइज केनी ओमेगा के वन विंग एंजल के साथ केनी ओमेगा इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही डॉन केलिस कोनोसुके टेकेशिता और क्लोडियो कोस्टोंगली ये सभी रिंग में आकर ओमेगा पर अटैक करने लगते गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स ये तीनों भी रिंग में आ जाते गए और गाइज ये तीनों केनी ओमेगा को सेव करते गए। बट गाइज शो के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज क्लोडियो कोस्टोंगली पर अटैक करने ही वाले होते गए, तभी यहां पर डार्क ऑर्डर के मेंबर रिंग के अंदर आ जाते गए और गाइज इसके बाद डार्क ऑर्डर के मेंबर हैंगमैन एडम पेज को यहां पर क्लोडियो ने से रोक देते गए। और गाइस यहां पर डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर आज हमें काफी सिनेमैटिक सिनेरियो देखने को मिला।